किसान साथियों और छत पर बागवानी करने वाले भाइयों बहनों और बच्चों, आज के वीडियो के दो भाग हैं। पहले भाग में मैं बताऊंगा कि नींबू के बड़े पौधों की कटिंग कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, और दूसरे भाग में मैं बताऊंगा जो मेरे बहुत ही प्रिय दर्शक हैं और जो मेरे को बहुत लोग जुड़े हुए हैं, वे हैं छत पर बागवानी करने वाले मेरे साथी, जिनमें अधिकतर गृहिणियाँ हैं। किसान साथियों, मैं उन्हें बताऊंगा कि उनको कौन से पौधे गमले में लगाने चाहिए और गमला कैसा होना चाहिए और क्या सही समय है और क्या मेरे यहाँ से पौधे मिल सकते हैं और किस प्रकार के पौधे उन्हें लगाने चाहिए। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अमेजिंग किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज के कार्य करने से पहले आपके पास कुछ औजार होने चाहिए, जिनमें से एक मुख्य है, ये स्केटियर बोलते हैं इसको, सिंपल भाषा में हम इसको कटर बोलते हैं। ये छोटी टहनियाँ काटने के काम आता है, लेकिन नींबू में जब पौधा बड़ा हो जाता है तो ये थोड़ा इसका कार्य कम रह जाता है। इसका बड़ा भाई है ये बड़े वाला स्केटियर। ये देखिए, ये आपकी लगभग 2 से 3 फुट की आप दूर से काट सकते हैं और जब पौधा घना हो तो उसे आराम से उसकी टहनियाँ हटा सकते हैं। तीसरा है, ये एक जो मेरी दांती है, हम इसको दांती बोलते हैं, इस पे डंडी बांध ली है और जब शाखा कट जाए या टहनियों को इधर से उधर लेना हो तो इसके द्वारा आप अपनी सहायता कर सकते हैं। हाँ, ग्लव्स भी पहनना सीखिए। ये थी औजारों की बात। अब आइए मैं आपको दो पौधे दिखाता हूँ। ये पौधा देखिए, इस पर बहुत अच्छे नींबू हैं और हमने इसके काफ़ी नींबू तोड़ भी लिए हैं। ये हमारे हस्त बहार के नींबू थे, देखिए कितना सुंदर नींबू है इस पर, और गुच्छों में नींबू हैं इस पर। और इसकी अब हम बात करते हैं, जो ये गुट्टी वाले पौधे होते हैं, जब ये मास प्रोडक्शन में बनते हैं बहुत अधिक मात्रा में, तो वे लोग ये ध्यान नहीं रखते कि गुट्टी कहाँ बांधनी है, क्योंकि वो अपनी जो भी शाखा उनके पास है उसमें अधिक से अधिकतर गुट्टी बांधने की कोशिश करते हैं। और उससे हमें क्या नुकसान होता है कि उससे हमें पौधे में इस तरह की तिरछी विरछी शाखाएँ मिलनी शुरू हो जाती है। कम से कम अगर अच्छी टहनी पर बांधा जाए तो अच्छा रहता है और उसमें हमारे को कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये सबसे बड़ी कमी मेरे को मिली है। और जब पौधा बड़ा हो जाता है, ये गुट्टी वाला पौधा था जिन्हें मैं बस वैसे इस साल ख़त्म करने वाला था, लेकिन इन पे नींबू अच्छे आए हैं कुछ पौधों पर, तो उन्हें छोड़कर बाकी को मैंने कुछ को हटा दिया है, कुछ की गहरी कटिंग कर दी है और अगले साल हस्त बहार लेकर मैं इनको हटा दूंगा, चूँकि मेरे CCRI के पौधे बड़े हो जाएंगे। अब देखिए, ये पौधा बिल्कुल नीचे तक, यहाँ तक इसमें शाखाएं थी और नीचे तक झुका हुआ था, जो मैंने पहले कई वीडियो में दिखाया है आपको। एक वीडियो है मेरी जो गुट्टी और बीजू पौधे के ऊपर है, उसमें मैंने इन पौधों को दिखाया था, तो मुझे इसको ठीक करना था। अमूमन जो साधारणतया नींबू में कटिंग नहीं करते, लेकिन हमें नीचे साफ सफाई भी करनी है, पौधे को ऊपर ले जाना है, 25 जून को 3-4 वर्ष का हो जाएगा, तो हमें इसके नीचे कार्य भी करने पड़ते हैं और उनको हमें बचने के लिए हमें नीचे से थोड़ा साफ़ सुथरा रहना चाहिए। किसान साथियों, अभी बहुत तेज़ आंधी आई थी कुछ दिन पहले और ये सभी पौधे तिरछे हो गए थे, क्योंकि इनमें जो टैप रूट होती है, जो मुख्य जड़ होती है, वो नहीं होती और पौधे बहुत गहराई तक नहीं जाते। इनकी जो जड़ें होती हैं वो ऊपर ही ऊपर होती हैं और जब पौधा बहुत बड़ा होता है तो अधिकतर पौधे गिर जाते हैं। तो मैंने ये देखिए, इनको इतनी शाखाओं को हटाया है, ये सब शाखाएं हटाई हैं मैंने, बड़ी बड़ी शाखाएं हटाई हैं और छोटी शाखाओं को मैंने अपने कटर से हटाया है, इस तरह से ये हटा दिया था इनको। और मैंने, आप ध्यान से देखिए कि किस तरह से मैंने यहाँ पर ये कार्य किए हैं। इसके बाद क्या किया, थोड़ी सी मिट्टी हल्की चढ़ाई पहली बार और इस पर मैंने एक स्प्रे, कटिंग के बाद एक स्प्रे किया था मैंने COC और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का और थोड़ी जड़ में दी थी। उसके बाद मैंने एक दिन बाद मैंने यहाँ पर
वही क्लोरोपाइरोफास 1 ml प्रति लीटर 50% वाली और बवस्टीन जड़ में दे दी है ताकि मेरे पौधे को जड़ गलन का कोई खतरा ना हो, चूँकि अभी पौधे बहुत हिले थे। आइए एक दूसरा पौधा दिखाता हूँ। किसान साथियों, ये पौधा देखिए, इसमें से मैंने काफ़ी नींबू तोड़े हैं। अभी मैं दिखाऊंगा, मेरे पास 4-5 कैरेट रखे हैं नींबू की। ये देखिए कितने गुच्छों में नींबू आते हैं। और ये दोनों पौधे, ये और जो अभी दिखाया है, मुझे बहुत पसंद आए हैं। और एक तीसरा और पौधा है, वो भी दिखाऊंगा। इस पर बहुत अच्छे नींबू आए थे, करीब मेरे को इस पर 20 किलो के करीब नींबू मिले होंगे। तो जो किचन गार्डनिंग करने वाले हैं, मैं व्यावसायिक उत्पादन करने वाले किसानों की बात नहीं कर रहा, जो किचन गार्डनिंग करने वाले भाई बहन हैं, वो मुझसे इन दो नींबूओं के और एक तीसरा और नींबू है उनके पौधे ले सकते। किसान साथियों, मैं ये पौधा इन दोनों में मुझे सबसे अच्छा लगा, और इसीलिए मैंने इस पर, आप ये देखिए, कुछ गुट्टी बंधवाई हैं। जो भी किचन गार्डनिंग करते हैं, अगर आपको इसके पौधे चाहिए, क्योंकि आप गमले में लगाते हैं और गमला कम से कम 18 इंच का होना चाहिए, लेकिन मैं संस्तुति करता हूँ कि अगर गमला आपका 70 लीटर का एक ड्रम आता है प्लास्टिक का, जो मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए, ये जो ड्रम देख रहे हैं आप, इसको आधा कटवा लीजिए और उसमें लगाइए, तो आप दूसरे साल इतने नींबू मिलेंगे आपको इस पौधे से कि आपके घर पर खाए नहीं जाएंगे। आप नींबू भी डालिए, अचार भी डालिए। कोई भी पौधा आप लगभग 20 जुलाई के बाद ऑर्डर करिए, मैं कूरियर से भेजूंगा इन पौधों को, और इसकी कीमत होगी लगभग 50 रुपये एक पौधे की। और आप गुट्टी देखिए कि मैंने ये इतने आराम से इनको कहा है कि उस टहनी पर गुट्टी बांधिए कि काफ़ी टहनी लंबी होनी चाहिए। देखिए ये गुट्टी बंधी हुई, ये अगले 20-25 दिन में तैयार हो जाएगी, और मैं इसको 15-20 दिन अपने पास रखूँगा और फिर आपको दूंगा। लेकिन इन पौधों की बिक्री किसानों के लिए नहीं होगी, क्योंकि व्यावसायिक उत्पादन में मैं इनको रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये सिर्फ किचन गार्डनिंग वालों के लिए हैं। पौधा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और आराम से घर में उगाया जा सके। आइए एक पौधा और दिखाता हूँ। किसान साथियों, ये भी वही पौधा है जो नींबू वन है। आप देखिए कितनी मात्रा में इस पर मैंने छोड़े हुए हैं। आप इन्हें ध्यान से देखें, देखिए कितने मात्रा में। इसकी भी गुट्टी तैयार हैं, ये देखिए, ये तैयार हैं, और लगभग 25 जुलाई के बाद, 20 से 25 जुलाई के बाद मैं इनकी बिक्री शुरू करूंगा और इनको कूरियर के द्वारा भेजूंगा। कूरियर के चार्जेज अलग से होंगे, लेकिन इसकी कॉस्ट है केवल 50 रुपये। ये देखिए, इस पर मैंने लगभग 50 के करीब गुट्टी बंधाई है, तो जो भी पहले ऑर्डर कर देंगे उनको मैं भेजूंगा। और देखिए इस पर, पूरे पौधे पर देखिए कितना अच्छा फल आया हुआ है। एक पौधा आपके किचन गार्डन में होगा और आपको भरपूर मात्रा में इससे फल मिलेंगे। आइए एक पौधा और दिखाता हूँ। एक ये पौधा है किसान साथियों, ये देखिए इस पर कितने अच्छे, थोड़ा सा उससे बड़ा है साइज में, और इसका, ये मैंने CCRI नागपुर में देखा था, ये PKM जयदेवी नींबू की तरह है बिल्कुल, और इस पर इतने नींबू आते हैं कि आप देखिए मेरे यहाँ कैरेट के कैरेट इस पर लगभग 40 किलो के करीब नींबू उतरा होगा। ये पौधा 3 साल का हो जाएगा। अगर आपको ये पौधा चाहिए तो मुझे लिखिए कि नींबू 3। तो मैंने आपको 3 पौधे दिखाए हैं, ये सिर्फ किचन गार्डन वालों के लिए, नींबू 1, नींबू 2, नींबू 3। अब आते हैं अपने नींबू के बड़े पौधों की कटिंग के ऊपर। कटिंग में आपको क्या कार्य करने हैं, अपने पौधे के आसपास सफाई कीजिए, उसको अगर तिरछा है डंडी से सहारा दीजिए, थोड़ी मिट्टी चढ़ाइए, और कटिंग करने के बाद आप इसमें COC और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, COC 3 ग्राम प्रति लीटर, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम प्रति 10 लीटर मिलाकर इसमें स्प्रे कीजिए, पूरे पौधे पर करिए, और थोड़ी इसकी ड्रिंचिंग भी कर दीजिए। उसके बाद 2 दिन बाद आप इसमें क्लोरोपाइरीफास 1 ml प्रति लीटर जो 50% वाली है, और बवस्टीन 2 ग्राम प्रति लीटर की, लगभग 1 लीटर की, इतने बड़े पौधे में ड्रिंचिंग कर दीजिए। इससे जो वाइट ग्रब वगैरह की समस्या होगी वो सब खत्म हो जाएगी,
कोई अनावश्यक कीट होगा वो भी खत्म हो जाएगा और आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। किसान साथियों, ये समय है जून का महीना, ये मृग बाहर के लिए है जो सर्दियों के फल आएंगे। तो इसमें एक वैरायटी है जो कुंभकाट नींबू होता है, उस पर आप देखेंगे कि फूल आने शुरू हो। तो किसान साथियों, अगर आपने कटिंग कर दी है इसके आसपास सफाई करिए, और जो भाई सर्दियों की फसल लेना चाहते हैं इसके आसपास गुड़ाई कर दीजिए, जिन पर फूल नहीं आए हैं वो इसमें गुड़ाई कर दीजिए हल्की हल्की सी, और इसे धूप लगने दीजिए कुछ दिन बाद। इसके बाद हम बताएंगे कि उसमें खाद देकर क्या पानी देना है। वैसे बरसात शुरू हो जाएगी, उसी टाइम आप खाद दीजिए और आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। आज मैंने आपको वीडियो में दो बातें बताई हैं। पहली बताई है बड़े पौधों की कटिंग किस प्रकार करें, क्यों करें और कैसे करें, और उसमें कटिंग के साथ क्या सावधानी रखें, सफाई की क्या सावधानी रखें, कटिंग के समय क्या सावधानी रखें, और इसमें कटिंग के बाद आपको क्या करना है ये बताया है। दूसरी बताई है जो किचन गार्डनिंग करने वाले बहन भाई हैं उनके लिए कौन से पौधे अच्छे रहते हैं, वो गुट्टी वाले पौधे ले सकते हैं, जल्दी फल आते हैं लेकिन ये व्यावसायिक उत्पादन के लिए रिकमेंड नहीं किए। किसान साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे अवश्य लिखिए। इसी के साथ मैं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी अपने कैमरामैन जॉन कुमार के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।